दुष्कर्म के आरोपी की दबंगाई, पीड़िता के घर पहुंचकर कार से टक्कर मारने का करा प्रयास, ग्रामीणों ने दबोच कर पुलिस के किया हवाले। मामला आगरा के फतेहबाद के ग्राम पारोली शिकार वार का है। यहाँ किशोरी को भगाने तथा दुष्कर्म के आरोपी की दबंगाई सामने आई। जब वह समझौते के बहाने पीड़िता के घर पहुंचा तथा उसको कार से टक्कर मारने का प्रयास किया, पीड़िता बाल बाल बच गई। बाद में ग्रामीणों ने दो लोगों को पुलिस को सौंप दिया तथा आरोपी भागने में सफल रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहबाद के ग्राम परोली शिकरवार में खेतपाल पुत्र छविराम निवासी बरहन फतेहबाद, बेदम सिंह पुत्र तेज सिंह, धर्मेंद्र पुत्र धनी राम निवासी अमद्रोहा थाना ढोकी के खिलाफ थाना फतेहबाद में किशोरी को भगाकर तथा दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले में इसी वहां किशोरी परिजनों को मिल गई, तब से किशोरी अपने घर पर ही है। इस मामले में तीनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दाबिश भी दे रही है। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे खेतपाल अपने एक साथी गौरव पुत्र भगवान सिंह निवासी नगला दया फिरोजाबाद तथा एक अन्य साथी को लेकर भाजपा का झंडा लगी कार में बैठकर गांव पहुंचा, जहां घर के बाहर खड़ी किशोरी में कार से टक्कर मारने का उसने प्रयास किया, परंतु वे बाल बाल बच गई और कार की टक्कर में पड़ोसी पूरन सिंह की कच्ची दीवार टूट गई और कार पलट गई। घटना के बाद तीनों ने भागने का प्रयास किया तो वहीं भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए तथा खेतपाल व गौरव को दबोच लिया। घटना की जानकारी पर इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक जितेंद्र गौतम भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों को थाने ले गए। मौके से एक आरोपी तमंचा लहराते हुए फरार होने में सफल रहा। इस मामले में अभी तहरीर नहीं आई है। पुलिस भागे हुए आरोपी की तलाश कर रही। घटना में किशोरी का भाई आरोपियों को पकड़ने में घायल भी हो गया।